जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। ये डायलॉग है अभिषेक बच्चन की फिल्म गुरु का। अभिषेक बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट, एवरेज और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन उनके करियर में सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में रही हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके फिल्मी करियर के वो आंकड़े बताते हैं। ये किस्सा हुआ था शुरू साल 2000 से, जब अभिषेक बच्चन ने रिफ्यूजी से बॉलीवुड डेब्यू किया। पहली फिल्म तो एवरेज रही, लेकिन फिर फ्लॉप का सिलसिला शुरू हो गया। साल 2000 में ही अभिषेक बच्चन की दूसरी पिक्चर यानी कि फिल्म आई, जिसका नाम था तेरा जादू चल गया। एक साल में अभिषेक बच्चन ने तीन तीन फिल्में दी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे यहाँ से उनका फ्लॉप करियर की शुरुआत हो रही है। साल बढ़ते चले गए, लेकिन ब्लॉकबस्टर तो छोड़िए, अभिषेक के नसीब में एक भी हिट पिक्चर नहीं आई। एक समय ऐसा था कि अभिषेक बच्चन एक ब्लॉकबस्टर देने के लिए भी तरस गए थे। डेब्यू के बाद एक्टर ने 23 के करीब फिल्में दी, जिसमें से लगभग 16 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। एक के बाद एक फिल्में अभिषेक बच्चन देते रहे। बीच में कुछ सुपरहिट हुई, जबकि कुछ सेमी सुपरहिट रही। 6 साल निकल गए, तब जाकर अभिषेक बच्चन ने अपने करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। ये किस्सा है साल 2004 का, जब अभिषेक बच्चन की धूम रिलीज हुई। इस फिल्म में विलन का किरदार कबीर ने निभाया था, यानी जॉन अब्राहम। यही थी अभिषेक बच्चन के डूबते करियर को बचाने की चाबी। फिल्म में जॉन अब्राहम ने शानदार एक्टिंग की, जबकि अभिषेक बच्चन फिल्म में ACP जय दीक्षित बने थे। अच्छी रही, रिलीज हुई और बजट से ज्यादा कमाई करके ले गई। ये अभिषेक बच्चन के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी। उस वक्त ये अगर फिल्म नहीं होती तो अभिषेक के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाती, और ये फिल्म अभिषेक के लिए सबसे ज़्यादा उस समय जरूरी भी थी। अभिषेक बच्चन के फिल्मी करियर का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी चौंकाने वाला है, जिसे देखकर पता लगता है अगर उनके खाते में धूम, धूम 2 और धूम 3 नहीं होती तो शायद उनके करियर में अब तक कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म ही नहीं होती। अभिषेक बच्चन ने 2000 के बाद कई फिल्में साइन की। एक साल में 5 फिल्में कर डाली थी, लेकिन नतीजा वही रहा। 2004 में भी उन्होंने 6 फिल्में की थी, जिसमें से सिर्फ धूम को दर्शकों ने प्यार दिया, बाकी की पिट गई। अभिषेक बच्चन ने आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म 2013 में दी थी, जो थी धूम 3। उसके बाद सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनके करियर में फ्लॉप फिल्में ज़्यादा रही हैं। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।